हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होने के कितने दिनों के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। अगर आपको ये पता नहीं है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या है, तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि जब आपका एग आपके पार्टनर के स्पर्म के साथ मिलता है, तो वहाँ पर एक फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपका एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब से जाकर आपके यूट्रस की वाल में चिपकता है। जब ये एम्ब्रियो आपके यूट्रस में वाल में चिपकता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा वो गड्ढा खोदता है या फिर अपने लिए जगह बनाता है, तो इसीलिए आपको थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो सकता है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं, और ये प्रेगनेंसी का पहला साइन होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर महिलाओं को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो, लेकिन काफ़ी सारे महिलाएँ ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग एक्सपीरियंस करते हैं। और जनरली ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपके ओवुलेशन के 6 से 7 दिन के बाद या फिर 8-10 दिन के बाद आपको फील हो सकता है, यानी कि आपके पीरियड के ड्यू डेट से 1 हफ्ते पहले या फिर 3-4 दिन पहले भी आपको महसूस हो सकता है। ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, उसका कलर बिल्कुल पिंक हो सकता है या फिर ब्राउन हो सकता है। इसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग तो बोलते हैं, लेकिन इसमें ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें सिर्फ हल्का और फुल्का स्पॉटिंग होता है, पैड लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होता है। अगर आप पैड लगाते हैं तो भी उसमें सिर्फ थोड़ा बहुत स्टेन नज़र आता है। और ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बहुत ही माइल्ड होता है, जनरली ये 1 या 2 दिन तक होता है। सो अगर आपको ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपके पीरियड के ड्यू डेट के 3-4 दिन पहले नज़र आता है, तो आप तुरंत एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस समय आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे, तो ये फॉल्स नेगेटिव आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि आपके शरीर में तब तक बीटा एसीजी हार्मोन का लेवल इतना ज़्यादा नहीं हुआ होगा कि वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट उसे डिटेक्ट कर सके। इसीलिए कम से कम आप आपके पीरियड के ड्यू डेट तक इंतज़ार कीजिए। अगर आपका पीरियड मिस हो जाता है, उसके 3-4 दिन के बाद आप अगर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, उसमें आपको सही रिजल्ट आने का 99% चांस रहता है। अगर आपका पीरियड थोड़ा इरेगुलर है या फिर आपको याद नहीं है कि आपका पीरियड का ड्यू डेट कब है, और आपको लगता है कि आपने इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग एक्सपीरियंस किया है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आप जिस दिन भी रिलेशन में रहे होंगे, उससे ठीक 3 हफ्ते के बाद आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि रिलेशन के बाद अगर आपका ओवुलेशन हुआ होगा, तो 3 हफ्ते तक आपका फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो इम्प्लांट हो चुका होगा, और अगर आप 3 हफ्ते के बाद टेस्ट करते हैं, तो आपको सही रिजल्ट आने का पूरा चांस है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।